तो भाइयों मैं आ चुका हूँ उस वेन्यू पे जहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार आज से उधर मेन दरबार लगेगा पीछे की तरफ, जहाँ से वो यहाँ से एंट्री होगी और उधर आगे जाके व्हीकल पार्किंग। पे वाइट लाइन आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरी है लास्ट तक। इधर है गंगा, देख सकते हो गंगा की हालत गंगा जैसी नहीं बची है। राम राम, सभी को स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो यार एक ब्लॉग के टाइप होने वाली है। अभी मैं बस अकेले निकल रहा हूँ अपने घर से, और जो भी होगा मैं आपको वीडियो में लगातार दिखाता रहूँगा। तो बने रहो, लेट्स गो। तो ठीक है गाइस, हम पहुँच गए हैं लोकेशन पे, धूप हो रही है बहुत ही मस्त। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूसरी जगह स्केटिंग करने, तो लेट्स गो। स्केटिंग करते करते एक स्टॉप पे पहुंच गया हूँ मैं और जीप बाहर आ गई। अब यहाँ से दूसरे स्टॉप की तरफ जाएंगे जहाँ पे मुझे स्केटिंग करनी है, जहाँ पे मैं मेन अपनी वीडियोस थोड़ी बहुत शूट करता हूँ। और इधर मेरे राइट साइड में यहाँ पे गंगा बह रही है, जिसकी हालत अब गंगा जैसी नहीं बची है। मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ, ये देखो भाइयों, इधर है गंगा, देख सकते हो गंगा की हालत गंगा जैसी नहीं बची है। और इस रूट से होके जाना पड़ता है मुझे, जो कि गंदा है थोड़ा। चलो सीधा आप लोकेशन पे पहुँच के जल्दी से मिलता हूँ। यहाँ की सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्न आता है और जो कि स्लोपी है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है स्केटिंग करने में स्लोपी एरिया में। और यहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ अपनी लोकेशन पे, थोड़ी सी और स्केटिंग करते हैं। ये देख सकते हो आप पीछे, बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये स्केटिंग करने के लिए, ज़्यादा व्हीकल्स इधर नहीं आते हैं। और जिसे रोड स्केटिंग भी करनी है और सेफ जगह पे भी करनी है तो वो ऐसी जगह पे आ सकता है। हर जगह कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी, और जहाँ नहीं है तो बैड लक। फिलहाल मैं जल्दी से आपको आगे लेके चलता हूँ। तो राम राम। भाई ऐसे रहा चलते एजेड लोगों से राम राम करने का भी अपना ही अलग ही मजा है, बड़े बूढ़ों से राम राम करने में कुछ जाता नहीं, ऊपर से अच्छी दुआ और मिल जाएगी। तो भाइयों मैं आ चुका हूँ उस वेन्यू पे जहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार आज से 16 से 18 तारीख तक यहीं रहने वाले हैं, और यहाँ पे ये लोहिया वालों की तरफ से ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रोग्राम आज शुरू हो जाएगा, और करीब करीब 3 से 4 लाख लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इतनी उन्होंने जगह क्रिएट कर दी है। मे भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन इतनी वेन्यू यहाँ पे बताई गई है और इतनी यहाँ पे जगह क्रिएट कर दी गई है। मैं आपको अपने साथ साथ अभी दिखाता हूँ और उस जगह पे थोड़ा सा लेके चलता हूँ। इनका मैं आपको पोस्टर वगैरह दिखा देता हूँ और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होने वाली हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा। एक बार पहले बैक कैमरा करके जगह दिखाता हूँ कितनी बड़ी है। स्केटिंग वेन्यू पे खड़ा हूँ, यहाँ से शुरू हो रही है ये जगह,
आप देख सकते हो ये सब वेन्यू है, सब वेन्यू है। ये पोस्टर लगा हुआ है बागेश्वर धाम सरकार, यहाँ पे होने वाला है महादिव्य दरबार। और ये इतनी जगह है यहाँ पे, वहाँ टेंट्स लग रहे हैं, टेंट्स के नीचे आगे उनके बैठने के लिए एक जगह बनाई गई है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप, श्री हनुमंत कथा बागेश्वर धाम सरकार ये करवा रहे हैं लोहिया स्टेट के। यहाँ पे जो स्टेट है, स्थल है, वो आप ये देख सकते हो, लोहिया स्टेट 6 के सामने, नया मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। जिसको भी आना है भाई यहाँ आ सकता है, मुरादाबाद से हो या कहीं और से, और उनको आपको अटेंड करना है इस फंक्शन को, तो आप यहाँ आ सकते हो। ये देखो यहाँ पे टेम्प्रेरी पानी का जुगाड़ भी कर दिया गया है ऑलमोस्ट, और यहाँ से वहाँ तक लास्ट तक ये पूरे खंबे का जो वहाँ पे उधर लास्ट तक आगे जाने तक सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पे ये दो मेन एंट्री गेट्स बन रहे हैं, एक बार मैं पीछे बैक कैमरा में खुद आके फिर बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे है कुछ एंट्री गेट्स, यहाँ से एंट्री वगैरह होगी, ये सब स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे थोड़ी देर में। और आज कलश स्थापना वगैरह कुछ है वो होगी। ये रहे यहाँ पे एंट्री गेट्स, अब मैं छाँव में हूँ फाइनली। ये देखो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये एंट्री गेट्स हैं, यहाँ से एंट्री होगी, जो भी आने वाले होंगे एक एंट्री होगी और मे बी एक एग्जिट होगा। उधर आगे जाके वहाँ पे हैं, यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह भी आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे भैया लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और अभी तैयारी। भैया कितने बजे शुरू हो जाएगा ये आज? 16, 17, 18 था ना आज कल है कलश यात्रा? अच्छा 17 से 20 है। हाँ 3 दिन यहाँ पे रहेंगे वो, 19, 20, अच्छा 18 से 20, 18, 19, 20 रहेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, कल कलश हो जाएगी स्थापना यहाँ पे है। तो भाई अभी मैंने इन भैया से पूछा कि यहाँ पे कब से आएंगे, आज कुछ भी नहीं है, आज बस रेडी हो रहा है ये, और कल परसों तरसों 3 दिन यहाँ पे ये प्रोग्राम पूरा चलने वाला है। आप पीछे पोस्टर देख सकते हो, और उससे भी पीछे जो आपको ये बड़े बड़े दिख रहे हैं ये स्टैंड्स आगे तक लगेंगे, और इसके अंदर जो भी यहाँ पे आने वाले होंगे उसके नीचे वो रहेंगे, और उनका एक उधर मेन दरबार लगेगा पीछे की तरफ, जहाँ से वो किसी को भी बुलाएंगे या फिर रैंडमली जिसको भी उन्हें बुलाना होता है रैंडमली किसी को पिक करते हैं, उस तरह से कुछ होगा। और ये यहाँ पे वाइट लाइन आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरी है लास्ट तक। तो आज जिसको आना है भाई आज मत आना, क्योंकि आज कुछ नहीं होने वाला है, कल परसों तरसों और उसके एक दिन बाद तक, 3 दिन तक वो यहाँ पे रहेंगे बाबा जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी। कल यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी कल यहाँ पे कलश यात्रा होगी, उसके बाद परसों तरसों और उससे एक दिन और बाद तक वो यहाँ पे रहेंगे, 3 दिन इनका दरबार लगेगा। अभी मैंने आपको एंट्री गेट दिखाए थे, यहाँ पे शायद एग्जिट गेट है या फिर बाबा के आने की जो एंट्री होगी वो है धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये देख लो एक बार फिर से पोस्टर, और आगे चलते हैं, बताता हूँ आपको कितना ज़्यादा है ये, कितना लंबा यहाँ पे दरबार लगने वाला है। और ये कथा स्थल आपको देख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ मैं आ गया आगे, और मे भी यहाँ पे एक और गेट है जो कि सिर्फ VIPs के लिए खुला रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, ये वो गेट है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जैसे कि पीछे बैठे हैं, अब मैं स्केटिंग कर रहा हूँ तो ये मुझे देख रहे हैं, मस्त मस्त हमें रिएक्शन मिल रहे हैं। और भाई ये यहाँ तक नहीं है, इसकी जो मे भी व्हीकल पार्किंग है वो मैं आपको एक बार दिखाऊँ, जितना मुझे लगता है कि ये व्हीकल पार्किंग होने वाली है मेरे राइट में। थोड़ा सा और आगे चलूँगा तो यहाँ से एंट्री होगी, और उधर आगे जाके व्हीकल पार्किंग, बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे। ये पीछे देखो इधर, यहाँ पे सब व्हीकल वगैरह पार्किंग होगी, मैं बैक कैमरा से एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये सब व्हीकल्स के लिए है, जो भी बाइक स्कूटी
साइकिल, इनसे आएंगे वो। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं। ये देखो, पास फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ पूरा, एक बार में कवर करने की कोशिश करूंगा कितना बड़ा है ये। इसका एंड पॉइंट और जितना भी आपने वीडियो में देखा उतने सब में ये फैला हुआ है। तो आई होप सो कि आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये कितना बड़ा है। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक इससे कोई बड़ा इवेंट शायद हुआ है नए मुरादाबाद में। ये स्पेशली सबसे बड़ा और पहला इवेंट है यहाँ का, सबसे तगड़ा। और जो करवा रहे हैं उनका मैंने बता ही दिया है आपको, मे बी सारी प्रॉपर्टी जहाँ पर हो रहा है वो उन्हीं की है, मुझे पक्का नहीं पता है, इसलिए बस बता रहा हूँ। और जिसको भी आना है, आज नहीं आ सकते हो कल आओ, कल कलश यात्रा होगी, परसों बाबा जी बैठेंगे और 3 दिन तक यहाँ पे रहने वाले हैं, फिर जिसको जैसे बुलाया जाएगा वो वैसे आएगा। और अब मैं बढ़ता हूँ आगे अपनी स्केटिंग के लिए, जाता हूँ और देखता हूँ फ़ोन रख के अगर कुछ करूँगा या फिर स्केटिंग करते हुए भी वापस चला जाऊँगा। बाकी अकेले आना जितना मुश्किल है उतना फिर चीज़ों को सिंपल भी बना देता है, जैसे कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आपको सेल्फ डिपेंडेंसी ये चीज़ सीखने को मिल जाएगी, वो भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी वे में। चलो अब मैं फ़ोन रख के यहाँ पे थोड़े से स्टंट्स परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। आजकल जो मैं सीख रहा हूँ कि एक जगह पर टर्न होना और दूसरी चीज़ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स मुझे परफेक्ट करने हैं अपने अपने, तो उस चीज़ के लिए भी मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ ड्रिल्स करता हूँ। उसमें से 2-4 ड्रिल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। चलो फ़ोन को रख के एक जगह पे और मैं आपको वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई टर्निंग वाले की काफ़ी दिन से तो नहीं, मतलब 1-2 दिन से ऐसे कोशिश कर रहा हूँ मैं, कोई मुझे बताना अगर जिसको आती है तो। खड़े खड़े टर्न प्रैक्टिस करते हुए टर्न्स की, एक तो चक्कर बहुत आते हैं, दूसरी चीज़ जब नहीं होता है तो गुस्सा भी बहुत आता है। उसके बाद जो मैं दूसरी ड्रिल प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो ये है, ये, और इसमें मैं अपना पैर सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये करना तो कर ही लेता हूँ मैं, लेकिन उसके बाद देखो शूज़ की हालत, ये अभी नए नए निशान आ रहे हैं ना, ये सब फ्रेश, ये सब इसी की करने की वजह से आ रहे हैं, जूता घिस रहा है आगे से। पर अगर हार मान ली तो सीखेंगे कैसे, बस वही है, सीखेंगे, लेट्स गो। और थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ। Oh.
तो दोस्तों यार प्रैक्टिस तो काफ़ी हो गई है और हम देखो वही कूड़े वाले पहाड़ की तरफ से जा रहे हैं आगे। यहाँ पे रास्ता थोड़ा ठीक है और दिखाता हूँ कुत्ते कैसे डरते हैं, देखो इसको देखना भाग गया। तो ठीक है दोस्तों यार मैं जा रहा हूँ वापस, अपना स्केट्स वगैरह पैक करूँगा और घर निकलूँगा। यहाँ तक आया था, स्केटिंग कर ली, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली और अब घर वापस जा रहा हूँ। टन टन चिकटप चिकटप सर, यहाँ से एक पैर पे उतर रहा हूँ और देखते हैं कब तक एक पैर पे उतर सकता हूँ। और ये बना दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड एक पैर से स्केटिंग करने का, अभी तक देख लो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्केटिंग कर ली है, प्रैक्टिस कर ली है, वापस जा रहा हूँ। मैं आपको मिलूँगा अगले व्लॉग में या फिर इसी के आगे कंटिन्यू करना है तो जल्दी बताओ, फटाफट बताओ दोस्तों फटाफट। अगर इस वीडियो में मेरी और वीडियोस से ज़्यादा कमेंट आ गए तो हम रेगुलर व्लॉगिंग शुरू कर देंगे भाई। अगर आप रेगुलर व्लॉग्स देखना चाहते हो स्केटिंग के तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कर देना नीचे और फिर हम रेगुलर व्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे, आपको अपनी जर्नी पे लेके चलेंगे। तो लेट्स गो, फिलहाल मैं जा रहा हूँ स्केट उतारने। अच्छी का